वहीं यूक्रेन से लौटी पुंडरी की बेटी खुशबू ने अपनी आप बीती सुनाई है और बताया कि कैसे भारतीय लड़कों से यूक्रेन में व्यवहार किया गया। उसने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हजारों भारतीय छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें फ्लाइट मिलेगी और वो अपने घर लौटेंगे। खुशबू के वापस लौटने से परिवार ने भी राहत की सांस ली है। पे इंडियंस को खाने लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट में खाना खत्म हो गया है, खाना नहीं मिल रहा है और पीने के लिए पानी भी खरीदना पड़ता है वहाँ पे, और मार्केट में वो भी ख़त्म हो गया है। और हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता अगर कुछ लेना हो तो, और कैश भी सारी जगह ख़त्म हो गया है। और जब हम बॉर्डर पे गए थे तो बॉर्डर पे भी वहाँ पे पहले यूक्रेनियंस को निकाला जा रहा था, इंडियंस को पीछे धकेल रहे थे और इंडियंस को बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही थी, बहुत ही बेकार व्यवहार किया जा रहा था इंडियंस के साथ।